बता रहा हूँ कि मच्छर हमें काटने के बाद कैसा होता है, कैसे कटती है और क्यों फिसली होता है। जैसे कि मेरा हाथ है, ये एक मच्छर है, ये यहाँ आया तो पहले काटने से पहले ये थूकेगा यहाँ पे। थूकने के बाद जो ये स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद ये एक अपना डंक इसमें मारेगा। डंक मारने के बाद इसमें यहाँ पे अंदर में जाएगा, फिर यहाँ पे दो ब्लड की जो तारे होते हैं ना, लाइन्स जो ब्लड पहुँचाते हैं उसमें अपना घुसाएगा, और वो भी नहीं खींच पाता ज़्यादा, उसमें भी एक बार थूक देता है। तो वो थूक जाता है तो वो जब कुछ बोलेंगे उस केमिकल को वो नहीं जानता, लेकिन वो जब थूकता है तो वो खींचता है, जिससे निडल से खींचते हैं ब्लड से, वो भी खींचता है। ये सब वोमेन ही करते हैं, वोमेन मॉस्किटो। और चला जाता है तो वो तो थूक तो इसी में जाएगा ना, और एक ऐसी खींच के जाता है, थूक इसी में जाएगा, वही थूक आपको जलन करता है। कभी कभी क्या आता है कि ऐसे डिसीजेस हो जाते हैं, जैसे कि डेंगू मलेरिया, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए मच्छर से कैसे होता है यही सबसे होता है। और बस आप समझिए कैसे यहाँ पे काटता है, यहाँ यही ज़्यादातर मच्छर लोग आपके हाथ ही पे काटते हैं, कि आप बैठी कि आपका जो बैठने का स्टाइल होता है वो ऐसे ही होता है। और अब हो जाते हैं वो घास वाले एरिया में ज़्यादा ही होते हैं, जब बारिश होती है तो घास वाली जगह बहुत मोटे मोटे मच्छर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ काटते हैं और वो दर्द भी करता है। तो ऐसा करें कि मच्छर वाली जगह से दूरी आए।